तो एज के बाद अब हम पहुंच चुके हैं द क्राइसलर, वन ऑफ माय फेवरेट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग एक समय वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, लेकिन सिर्फ 11 मंथ्स के लिए। उसके बाद ही एम्पायर स्टेट खड़ी हो गई। लेकिन क्राइसलर अब भी न्यूयॉर्क सिटी की 11th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये 1930 में कंप्लीट हुई थी। इसकी टोटल हाइट 1046 फीट अर्थात 319 मीटर है और इसकी फ्लोर टोटल 77 है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये 405 लेक्सिंगटन एवेन्यू, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में उपस्थित है। इसे विलियम वैन एलेन आर्किटेक्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया। न्यूयॉर्क की बहुत ही फेमस आइकॉनिक बिल्डिंग में से ये एक है, द क्राइसलर। इस बिल्डिंग के आसपास की व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है, स्ट्रीट व्यू। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की ओर। आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तो क्राइसलर बिल्डिंग एंड ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल बस वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो अगर आप इन दोनों में से अगर कोई भी एक प्लेस में आ गए तो दूसरी प्लेस आप वॉकिंग डिस्टेंस में ही घूम सकते हो। वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है वही क्राइसलर बिल्डिंग है। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की बात करें तो ये एक ट्रांजिट हब है। तो आइए अब चलते हैं इसके अंदर के हिस्से को देखने। ग्रैंड टर्मिनल सेंटर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशन है, जहां कुल 44 प्लेटफॉर्म है। यहाँ एवरी डे 1 मिलियन तक लोग यातायात करते हैं। इसकी हिस्टोरी और आर्किटेक्चर के वजह से भी ये बहुत पॉपुलर है। इतना ही नहीं, यहाँ का टेफनी क्लॉक वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लॉक में पड़ती है और इसकी अंदर की जो आर्किटेक्चर है वो कोई स्टेशन के जैसा नहीं बल्कि एक महल के जैसा दिखता है। तो अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हो तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल एक बार जरूर आना। तो इसी तरह से समाप्त हुई हमारी आज की जर्नी। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और न्यूयॉर्क के जितने भी पॉपुलर आइकॉनिक बिल्डिंग्स थे हमने करीब करीब सारे बिल्डिंग्स को कवर कर लिया है। कुछ बाकी है तो वो फिर हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लग गई है, इसलिए हम लोग खाना खाने आए हैं जैक्सन हाइट। और ये जैक्सन हाइट क्वींस में पड़ती है। तो यहाँ पे नेपाली भांसा घर, नेपाली रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं। ऐसे मेरा 1.5 साल हो गया USA में आना। तो
आज फर्स्ट टाइम मैं नेपाली रेस्टोरेंट में खा रही हूँ, खाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ सैन डिएगो में, वहाँ पे नेपाली कम्युनिटी ज़्यादा नहीं होने के वजह से वहाँ पे रेस्टोरेंट कम है और इस तरह का नेपाली खाना सेट वहाँ पे नहीं मिलता है। तो आज 1.5 साल के बाद नेपाल का अपना स्वदेश का खाना खाने वाली हूँ। वाओ। तो अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हो तो अगर आपको नेपाली खाना पसंद है तो आप जैक्सन हाइट में नेपाली भानसाघर जरूर आना। यहाँ का मोमो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सच में अपनी मिट्टी की याद आ गई। तो इस तरह से आज का हम लोगों का दिन एंड होता है। अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।